इतनी खामोशी जो है वो सोशल मीडिया पे इन दिनों नहीं है। मैं जब भी इस लोकल वाराणसी के क्षेत्र में अपना FB ओपन कर रहा हूँ या लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा हूँ, तो लोगों का जो एक उत्साह देखने को नज़र आ रहा है, जो आपके स्टेटस पे मैंने आपका उत्साह देखा, आप लोगों ने कैसे अपने परिवार को, अपने गुरुजनों को, खुद को इतनी सारी विशेष दी, तो इतनी बड़ी उपलब्धि, मैं अपने आप में कहता हूँ कि उपलब्धि है। कैसा लग रहा है आपको PhD में आपका एडमिशन हो गया? आप जानते ही हैं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है, खुशी तो जाहिर होना जरूरी है। आप जानते हैं जिससे जैसे ही रिजल्ट आया, उस समय मैं अपने गुरु के साथ था और मैं एक क्लास में बैठा थे हम लोग, जैसे रिजल्ट आया गुरु जी ने बोला कि देखते रहो बेटा, रिजल्ट आने ही वाला है। अच्छा। मैंने देखा, ऐसे मैंने स्क्रॉल कर रहा था कि जैसे ही मैंने देखा कि आ गया, मेरे सामने सर मेरे गुरु थे, मैंने गुरु का चरण स्पर्श किया, सर मेरा हो गया। उन्होंने बधाई दी, पीठ ठोके, वाह बेटा तूने नाम रोशन किया। मैंने बोला सर ये सब आपका मेहनत का फल है, हम लोग का क्या है, हम लोग तो आपके नक्शे कदम पे आगे बढ़े और ये सब प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि नसीब भी कुछ होता है और मेहनत भी कुछ होती है, दोनों मिल के चलती है। अगर आपको कुछ करना है, आगे भी बढ़ना है, तो दोनों चीज़ साथ होनी चाहिए। पढ़ाई तो अपने आप है, पढ़ाई तो सब कोई करता है। इन सभी बातों में मैं आज परिचय कराना भूल गया, क्योंकि परिचय इसलिए क्योंकि आने वाले समय में हम लोग कैमरे पे देखने भी वाले हैं और लंबे समय तक देखने वाले हैं, क्योंकि भाई आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ने जा रहे हो और जाहिर सी बात है आपने 5 साल का कठिन परिश्रम किया और 5 साल के लिए इस शैक्षणिक गतिविधि में हमेशा के लिए जाने वाले, और आगे मुझे लगता है भविष्य भी इसी सब चीजों में रहने वाला है। तो आप सभी लोग को परिचय इस तौर पर मैं कराना चाहूँगा कि भावी पाठशाला के हमारे हिंदी के विद्वान शिक्षक, आज हम लोग मिल रहे हैं एक PhD के 9 चयनित शुद्धार्थ विद्यार्थी से, आप मेरे शुद्ध कर दीजिएगा थोड़ा, शुद्धार्थी से जिन्होंने शोध हिंदी विभाग में अपना शुरू करने जा रहे हैं जो, और आपका नाम है पंकज यादव जी। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत और बहुत आज बहुत आप लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग हैं, बहुत इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए, कैसे आपने कहाँ से पढ़ाई की थी, अपना स्कूलिंग। जी जरूर जरूर, मैं बता दूँ आपको कि मैं शुरू में तो बहुत तेज नहीं था, बहुत गधा था शुरू के जीवन में। मैंने मतलब रियलिटी बात हम लोग सुन रहे हैं क्योंकि मैं शुरू में जैसे मैं आता कभी अपने घर आता था, कभी नानी घर आता था। हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि 4 तक आप बता दूँ कि मैं 4 तक कभी प्राइमरी के स्कूल में पढ़ा जिसमें खिचड़ी मिलती है। हाँ। थाली लेके जाते थे पढ़ने, खिचड़ी मिलती, दोपहर में इंतजार करते थे कब मिलेगी खिचड़ी, खा के इधर पढ़ते थे उधर पढ़ते थे, घूमते थे दिन भर घूमते थे। और मैं बताऊँ कि कक्षा 4 के बाद मैं एक ऐसी संस्था में गया जो हमारे ग्रामीण परिवेश में SKD इंटर कॉलेज है। अच्छा। उसमें मैं कक्षा 4 में गया और कक्षा 12 तक लगातार उसी में पढ़ता गया। अच्छा। शुरू के कुछ दिनों में तो मैं बैक बेंचर था, कक्षा 8 तक मैं बैक बेंचर था। कक्षा 8 के बाद किस्मत बदली, ये कहते हैं कि थोड़ी मेहनत और हुई, अच्छी मेहनत हुई। तो कक्षा 9 में 10 में जैसे आगे बढ़ते गए रैंक, और पीछे से नीचे आगे आती गई और बैक बेंचर से मैं फ्रंट बेंचर हो गया। लेकिन पहचान मेरी होती थी कि मैं बैक बेंचर ही हूँ, कभी कभी बैक बेंचर पे ही जाके बैठता था। ये वीडियो वहाँ पहुँचनी चाहिए। बैक बेंचर बैठता था, लोग कहते तुम पीछे क्यों बैठे हो, अरे तुम योग्य विद्यार्थी हो आगे बैठो। अरे सर पीछे जो सुकून है ना, पूरा नजारा देखने का, पढ़ने का, माहौल का, क्लास का, वो माहौल, क्लास का माहौल पीछे से ही समझ में आता है। तो आप पढ़िए लिखिए मस्त रहिए, जीवन है परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पे स्कूलिंग होने के बाद इंटर में जब वहाँ से निकले तो हम लोग को कहाँ जानकारी थी, गाँव वाले लड़कों को, कुछ हमारे बड़े भाई यहीं रहते थे और हाँ मेरे मामा जी पहले यहाँ पढ़ चुके थे। तो वहाँ से हमको गाइडेंस मिली कि अरे लड़का BHU जाएगा पढ़ने, फॉर्म डाले। और मैं यहाँ बता दूँ आपको, मैं यहाँ आया था BSc करने के लिए। अच्छा। मेरा एम था, मैं मैथ में ब्रिलियंट था, टॉपर था, अच्छा अच्छा मतलब मैथ फिजिक्स अच्छी आती थी मुझे। अच्छा। और ये जोश भी था कि मैं निकाल लूंगा BSc, लेकिन संयोग बस 2 नंबर से 175 नंबर था उस बार। नियति कहीं ले जाना, नियति कहीं और ले जाना चाहती थी, इसको मंजूर नहीं था कि तुम जाओ ये BSc करने, साइंस में जाओ, तुमको तो आर्ट में जाना, साहित्य में जाना है। तो नियति बदली और आर्ट्स का मैंने फॉर्म भरा था, इसलिए नॉर्मली भरा था, गया ऐसे ही फॉर्म परीक्षा देने, ये निकल गया वो नहीं निकला, बड़ा दुख हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और आगे बढ़े, धीरे धीरे गाइडेंस और लोगों का मिलता गया और आज हम आपके सामने हैं। फिर फाइनली UG में क्या किया, कहाँ से किया?
मैंने यूजी यही काशी विश्वविद्यालय से ही किया, बीएचयू से ही किया। मेरा सब्जेक्ट था एंशियंट हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत, जो हिंदी ऑनर्स था और इंग्लिश लैंग्वेज मैंने, मास्टर्स भी यहीं से हो गया, मास्टर्स भी यहीं से मैंने किया, हिंदी विभाग से किया। और अब आप फाइनली बीएचयू में ही एज अ पीएचडी स्कॉलर नियुक्त होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज हिंदी विभाग में अभी आप जानते हैं परसों ही रिजल्ट आया है, तो अब छात्र के रूप में अब लगभग 5 साल का जो 12th के बाद का आपका है, 3 साल यूजी 2 साल पीजी, ये कैसा रहा? मतलब आपको लगा कि कभी सोचे थे कि आगे पीएचडी करना है या कुछ और माइंड में चल रहा था, यूपीएससी या कोई वन एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी, कुछ ऐसा चल रहा हो? जी आप, क्योंकि मैथ अच्छा है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैथ, आप जानते हैं मैथ जब अच्छा है तो वाकई वो वन एग्जाम में जाना चाहता है। मैंने, मेरा भी प्रयास वही था, मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे पीएचडी करूंगा, एमए करूंगा कि नहीं करूंगा। अब बीए मिल गया था, बीए में तो लोग कहते हैं कि अरे यार बीए करते हो, गांव में पूछते हैं लोग कि बाबू क्या करेला बीएचयू में, गांव में जो बीए की मेंटेलिटी है वो लड़कियों वाली है कि लड़कियां बीए करती हैं, लड़का साइंस पढ़ता है। बोला बेटा क्या करेला तू बीएचयू में जाके, हमने बीए पढ़ेला तो वो बीएचयू जाके बीए पढ़ेगा तो गाँव में बीए ना लिखा लेता, खेती बाड़ी के लिए होता है, नहीं पता था उन लोगों को। फिर धीरे धीरे जब जैसे समय परिवर्तन हुआ, उन लोगों को जागरूक हुए वो लोग कि नहीं बीए भी कुछ होता है। अभी मैं जाता हूँ तो लोग पूछते हैं बेटा आप क्या करेला, हम बोले हिंदी से पीएचडी एमए करेला, और बुरा स्थिति हो गया कर दूंगे अब हिंदी अरे हिंदी में काबा हिंदी वो छंद अलंकार पढ़ ले हो जाए, हम कर नहीं। हिंदी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है जो वो मतलब कि छोटा नहीं है। उसमें अच्छा उसमें आप डूबेंगे और उसमें पार नहीं पाएंगे। कोई भी अभी भी बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं जो हिंदी में डूबे हैं, वो उसको पार ही नहीं पाएंगे। अभी उसी में समंदर है साहित्य, बेसिकली फुल ऑफ फिलोसफी है, मुझे जहां तक लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे बोलना रहे तो मैं यही कहूंगा कि जीवन को आगे ले जाने का, उसमें रंग भरने का, उसमें मनोरंजन करने का, विषय पे बहुत गहन सोचने का, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें हिंदी में समाहित हो जाती है। तो आपने भले बीएससी नहीं की लेकिन आप जीवन जीने का जो लोगों को सार सिखा जाने वाले हैं या जो भी आपका शोध कवि से होने वाला है वो अपने आप में बड़े ही तार्किक होंगे, वो सब कुछ उसमें समाहित हो जाएगा। आपका बीएससी भी समाहित हो ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आना ही, रिसर्च मेथोडोलॉजी के माध्यम से वो ही जाएगा। तो बाकी आप अपना थोड़ा प्लीज बता दीजिए, कहाँ से आते हैं आप? मैं आजमगढ़ से आता हूँ, जहानागंज मेरा गांव है। मतलब गुंडों का शहर वैसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लोग ये भ्रम है कि वो गुंडों का से यादव ही मैं सुन रहा हूं। यादव है तो मतलब ये ऐसा कोई धारणा नहीं है वहाँ, ये बहुत ही अच्छा शहर आजमगढ़ है। अब लोग उसको अन्यथा मत लें कि वो गुंडों का शहर है। वैसे गुंडा होना और पीएचडी में एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, आप नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ये भी हो सकता है, कोई भी गुंडा ऐसा नहीं कि पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकता, ले सकता है, योग्य है तो ले सकता है, ये जरूरी है। लेकिन दोनों चीजें बैलेंस कैसे हो पाएंगे? बैलेंस वो जो कर लिया वो ले, जो कर लिया वो ले लिया, जो नहीं कर पाया मतलब फिर वो अच्छा गुंडा कहलाएगा। ये फील्ड में मतलब इस फील्ड में मैं मानूंगा कि कुशल मैं जाऊंगा, ऐसा गुंडा हो तो सही है। मतलब गुंडा मतलब जो लोगों के लिए आवाज उठाए, मैं गुंडा का मतलब दूसरा सेंस नहीं ले रहा हूं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, तो कहने मतलब आप आजमगढ़ से आते हैं, आपके यहाँ के सांसद अभी कौन है? दिनेश लाल यादव, वही इसीलिए मैं पूछा। निरहुआ। अच्छा चलिए, बढ़िया है। मतलब यादव यहाँ गढ़ है वो? जी जी बिल्कुल, यादव मतलब ज्यादा है, सब सारी जातियां हैं, मतलब थोड़े से ज्यादा है यादव। और बीएचयू में आने का मतलब कि आप बीएचयू में एक बार आ गए तो बीएचयू आपको छोड़ता नहीं है, इसलिए कहानी आप लोग सुने होंगे। ये तो मैं बोला स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में आप आएंगे तो सोचेंगे कि कहां हमारे यहाँ तो गए, निकल नहीं पाएंगे। ये एक अथाह समंदर है, एक खाई की तरह है। इनके साथ पंकज जी के साथ यही हो रहा है, आ तो गए लेकिन बेटा निकल नहीं पाओगे। मैं नहीं चाहता भी नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मालवीय जी हमको इसी तरह अपनाए रहे, अपनाए रहे आगे तक अपनाए। यहाँ के जितने भी बगिया है, इस बगिया का मुझे माली बना, माली बना, अब मैं भी यहाँ सींचता रहूंगा। बिल्कुल एकदम, बहुत 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 अच्छी आइडियोलॉजी है ये पूरे। हम लोग थोड़ा फोकस्ड हो जाते हैं एजुकेशनल चीजों पे। आपका जो फाइनली, चूंकि आप नेट हो या जेआरएफ? मैं जेआरएफ। सर ने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है अपने आप में। सर की क्वालिफिकेशन को आप ऐसे ही जज कर सकते हो कि अपने सीयूटी, सॉरी क्या है आपका, नेट, यूजीसी नेट के थ्रू सर ने जेआरएफ स्कॉलरशिप लिया हुआ है। और बाकी सीयूटी भी तो हुआ होगा? जी बिल्कुल। उसमें भी आपका स्कोर कितना था? जी उसमें मेरा स्कोर 300 था। 300 आउट ऑफ 400। ये भी मतलब मामूली बात नहीं है। आप मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि आप कितने ज्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर सजग रहे हैं। बाकी आपके यूजी में क्या परसेंटेज थे? यूजी में मेरे 82% है, यही काशी विश्वविद्यालय से। आप कोर्स, आपको एपीआई आपका बढ़िया बना होगा। पीजी में क्या था आपका? पीजी में 80%। मतलब आप एक तरह से समझ सकते हो कि सिलेक्शन ना होने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है।
हाँ इधर 80+, इधर 80+, और फिर इधर आपका इधर जारफ निकला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन ना होने के कोई कारण, कोई इस वीडियो को देखने के बाद ये सोचे कह रहे यार लग काम करेगा, तो मैं कहूँगा आप भले मानते हो एज अ सेवा भाव के लिए अपने टीचरों के लिए इतना डेडिकेशन दिखा रहे हो, लेकिन आपके शिक्षक के पास आपको रिफ्यूज करने का कोई कारण नहीं है। माफी चाहूंगा, आपके शिक्षक भी इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन उनका सानिध्य नहीं होता तो आप यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। बिल्कुल। तो दोनों चीजें जब एक साथ काम करती है, जिसको बोलते हैं भाग्य, मेहनत और आपका ये दो चीजें, जब आपका हार्ड वर्क और आपका अलग काम करता है, लोगों का आशीर्वाद जब करता है, तब मुझे लगता है कि आप यहाँ तक आराम से पहुंच सकते हो। बाकी BHU में 5 साल का आपका अनुभव रहा है, अपने आप में एक ये जीवन का वो सौभाग्य आपको मिला जो लाखों बच्चों को नहीं मिल पाता है, कैसा रहा ये जर्नी आपका BHU में? ये जर्नी बहुत सुखद रही, अभी तक तो सुखद है। मालवीय जी जैसे आए, हम लोग पहले तो हम लोग आते थे, रास्ते से घुसते हैं तो ऐसे जैसे जैसे अंदर आते हैं ऐसा लगता है कि हम कितने अंदर जाएंगे, अभी कितना जाना है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना गहरा है, कितना गहरा है, मतलब वो बता रहा है एक, ये आप कह सकते हैं कुएं की तरह है, आप चलते चले जाएंगे लेकिन डूबेंगे नहीं। लेकिन इस कुएं में एक अंतर है कि यहाँ पे अंधेरा नहीं, इस कुएं में रोशनी, अंदर जाओ पूरे रोशनी फैलती जाएगी, मतलब प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश। आप बस आप चेतना अपना जागृत करके रखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से इंटरव्यू लेने का कि मैं साहित्य खोदूं थोड़ा। बिल्कुल। तो BHU का मुझे वो चीजें जाननी है, फिर हम लोग जयराब के प्रिपरेशन पे आ जाएंगे। थोड़ा सा ये बताइए आपके लिए सबसे फेवरेट प्लेस क्या रहा है? आप जानते हैं कि BHU का सबसे फेवरेट प्लेस, बाहर से भी लोग आते हैं, वाकई काशी विद्यालय का विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर बहुत अच्छा खूबसूरत प्लेस है, आप यहाँ पे कोई भी आके घूम सकते हैं। शूट कर रहे हैं, सामने दिख रहा है, सामने है काशी वो विश्वनाथ जी का मंदिर, आप यहाँ कभी भी आके घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है। हम लोग, हमको तो जब कभी हमको किसी तरह का स्ट्रेस होता है तो एक घंटा आधा घंटा जाके विश्वनाथ जी में बैठ जाते हैं, बड़ी सुकून मिलता है। ये एक अच्छा, ज्यादा पढ़ लो दिमाग में भूचाल आ जाए तो उसको भूचाल को शांत करने के लिए वो पढ़ना, पढ़ने से तो कोई उससे होता नहीं है, किसी तरह का अगर माइंडसेट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी तरह से तनाव में, बाहरी तनाव से, तो अगर थोड़ा सा अगर सुकून चाहते हैं तो विश्वनाथ मंदिर में जाके बैठिए, जरूर आपको शांति मिलेगी। और कोई प्लेसेस? मुझे बाकी प्लेस का उतना आइडिया नहीं, मैं कहीं ज्यादा घूमा नहीं। और शैक्षणिक गतिविधि जुड़ा हुआ कोई प्लेस आपके लिए? लाइब्रेरी या डिपार्टमेंट? आपका सेंट्रल लाइब्रेरी एक अच्छा प्लेस है पढ़ने के लिए, पढ़ने का एक अच्छा माहौल वहाँ पे है, एक अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स हैं, एक लॉबी आपको बना के दे रही है, आप उसे पढ़िए, डेडिकेट रहिए, एक ही तरफ ध्यान रखिए। ये काशी विश्वविद्यालय का एक बहुत ही अच्छा काम है कि हर विद्यार्थी अगर वो जा रहा है तो उसको एक अलग से कंप्यूटर, एक अलग से सिस्टम उसको मिल रहा है पढ़ने के लिए, फ्री में। कुछ लोग हैं जो बाहर मतलब जाके लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, प्राइवेट लाइब्रेरी, BHU भी ऐसी संस्था, BHU जैसी संस्था में ये एक अच्छा काम है। अच्छा, लड़कों को पढ़ने का एक फ्री सुविधा। फ्री की बात आई है सर, तो मैं चाहूंगा कि पंकज जी किस पे बात हो जाए। हम लोग इतना सस्ते में पढ़ाई किए, यूजी में अप्रोक्स 3 साल का जो फी है मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम 9,000 मैक्सिमम 9,000, और पीजी में वही 6,000, मतलब आदमी 15,000 रुपए में 5 साल पढ़ लेगा, 5 साल पढ़ लेगा। और उसके बाद रिसर्च में भैया अब तो आपके उल्टा 50,000 आने वाला। रिसर्च में भी कुछ नहीं है, रिसर्च में आप आ गए बस 3,500 रुपए पेमेंट करना है, 3,500 पेमेंट करना है, और आपको आप तो साल भर चलना, तो ज्यादा है, बाकी तो आप जानते ही हैं ज्यादा कितना मिलेगा। आई थिंक 43,400 या 43,600। इसलिए तो नहीं लिया ना आपने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इधर आने का प्रोसेस था, अब हमारी इच्छा भी थी कि हम PhD करें, आगे प्रोफेसर बने। नहीं, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने किसी राजनीतिक प्रवक्ता, किसी पार्टी के प्रवक्ता को मैंने सुना, जब ये खूब फेरबदल नियम कानून कर रहे थे, तो उनका कहना था कि हम लोग ये लगता है कि रिसर्च स्कॉलर को फालतू का पैसा देते हैं, तो ये कटौती की जानी चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा सुना हुआ है। बिल्कुल ये ऐसा नहीं है, रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, कई बुक्स खरीदने होते हैं, कहीं और काम होता है, तो ये पैसे गलत नहीं है। देखिए एक बार बता दे, यह लड़का, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी अपने ऊपर पैसा खर्च करती तो उन्हें लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं, जबकि शिक्षा में कभी कटौती की बात नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में कितना दे रहे हो इसकी काउंटिंग आप कराओ, होनी चाहिए इसकी काउंटिंग होनी चाहिए, मतलब वो स्टार्टिंग की पढ़ाई बता रहा हूँ, जो आपको पहली बार खिचड़ी मिली होगी उस खिचड़ी की क्वालिटी को सुधार दो, और आज जब आप स्कॉलर बनने जा रहे हो तो स्कॉलरशिप की क्वालिटीज को बढ़ाओ, अच्छा करो, तो ये होना चाहिए, ना कि ये कि उस खिचड़ी में से आप हल्दी निकाल दो, दाल निकाल दो, और स्कॉलरशिप रही नहीं जाएगी, ना वो तो बस खाली आप चावल खाएंगे अलग से, दाल खाएंगे, वही तो मतलब नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे राजनीतिक लोगों का जो बयान है वो एक तरह से
उन्हें लगता है कि स्कॉलरशिप जो दे रहे हैं वो गलत जगह पे यूज होता है, लेकिन ये गलत जगह पे स्कॉलरशिप जो भी शोधार्थी हैं कभी भी गलत जगह पे यूज नहीं करते, मतलब अमूमन गलत जगह यूज नहीं करते हैं, वो अपने पारिवारिक कारणों से, अपने घर पे, अपने लिए, आपकी पुस्तक खरीदने के लिए, बाकी और भी कई तरह के कार्य होते हैं, मतलब ये पैसा कहीं भी गलत जगह नहीं जा रहा है, ना गलत जगह मिल रहा है, ये जो विद्यार्थी ज्यारफ हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। आप इतने काबिल हो कि आपको मिलना ही चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि ये 43,000 स्कॉलरशिप और बाकी कम से कम 15,000 रुपये सैलरी भी मिलनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि ये हो जाए, अगर आपको बदलाव करना है तो इतना बढ़ा चढ़ा के दो कि आदमी कम से कम बढ़िया विषय पे शोध करके आए और वो शोध किसी काम में आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, अभी एक दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे हम लोग। जी बोलिए। बेसिकली बहुत ही सामने का क्वेश्चन है, बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन है, कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो, कितने घंटे आप पढ़ लेते हो 24 घंटे में? बिल्कुल, सोने का हटा देते हैं, आपको मिनिमम 6 से 7 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। 6 से 7 घंटा पढ़ना चाहिए। आप कितना पढ़ते हो? मैं भी 6 से 7 घंटा पढ़ता हूँ। अच्छा, 6 से 7 घंटे आप पढ़ते? 7 घंटे मिनिमम मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, मिनिमम मैं पढ़ता हूँ 7 घंटा। जैसे अभी तो पढ़ाई थोड़ी सी ठप है, आप जानते ही हैं कि एडमिशन का प्रोसेस है, कई तरह से तनाव शरीर में, वो जो आपका कोर समय रहा है पढ़ाई वाला, जब पढ़ाई का कोर समय था तो मैं बता दूं कि सुबह में सबसे अच्छी अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सुबह 4 बजे आप जग जाइए, फ्रेश होके बैठ जाइए पढ़ने। शुरू में सुबह में 4 घंटा 5 घंटा अगर पढ़ लेते हैं तो आप एक तरह से पूरी दिन की पढ़ाई कर ली, 4 घंटा नहीं पढ़ पाते। अगर 3 घंटा सुबह की पढ़ाई को ज्यादा प्रेफर करते हैं, अगर सुबह में अगर 3-4 घंटा आप पढ़ लिए तो हम मानते हैं कि आप पूरी दिन की पढ़ाई कर लिए। आप कहीं भी जाइए, एक तनाव नहीं रहेगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, अरे मेरा पेपर है, तो ऐसा मतलब थोड़ी सी तो संतुष्टि मिल जाएगी, सूरज 4 घंटे पढ़ने से मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया, और दिन में अपना खाना पीना बनाइए, उसके बाद उठ के थोड़ा बहुत अगर समय मिले 2-4 घंटा और पढ़ लीजिए, शाम में पढ़ लीजिए, तो 6-7 घंटा अगर आप मैनेज कर लें पढ़ के तो आप संतुष्ट हो सकते हैं, और आप और भी पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, तो स्वागत है, एकदम पढ़े। अच्छा, हिंदी के लिए बच्चों की कमी नहीं है अपने देश में? जी बिल्कुल, हिंदी भाषा, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं, हमारा राष्ट्र उसी पर टिका हुआ है, तो ये चीजें इस चीज को भी प्रमाणित करती हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल भाई, जितना ज्ञान है, अज्ञानी लोग भी हैं, विद्वान है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। आप लोग सब लोग कहते हैं कि हिंदी में है ही क्या, हिंदी में कंपटीशन कम, हिंदी में ज्यादा सीटें आती हैं, हिंदी में ज्यादा जारफ होते हैं, तो मैं बता दूं कि हिंदी में जारफ होते हैं, सीटें भी होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा कैंडिडेट भी होते हैं, उससे ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, लड़ाई भी होती है, फाइट भी होती है। आपके यहाँ कितनी कॉलिंग गई थी? 50-40, मतलब सीट कितनी थी हमारे यहाँ? 40 सीटें थी और कॉलिंग 500, बता दे 600 कॉलिंग, 600 कॉलिंग थी। कंपटीशन जहाँ सीटें हैं कंपटीशन भी वही है, ये नहीं है कि अब ऐसा कर सकते हैं कि अरे हिंदी में तो बहुत ज्यादा जारफ होते हैं, उसमें सीटें आती हैं, तो सीटें आती हैं और जारफ होते हैं तो उसका भी रीजन है, जितनी ज्यादा सीटें रहेंगी उतने ज्यादा भरते भी फॉर्म, उसे उसी लिए जारफ होते हैं, उसी लिए जारफ। कहने का मतलब ये है कि ये चीजें भी जाना चाहिए लोगों के पास, कि ये ना सोच लें कि हिंदी में बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं आसान। और ये जो हिंदी भाषी नहीं है, मतलब हिंदी विषय से जुड़े हुए नहीं, वो समझते हैं, जो हिंदी में वो समझते हैं। उनको पता है कि पता नहीं भगवान हमारा कराएगा कि नहीं कराएगा। बिल्कुल, क्योंकि लोगों के रिजल्ट पे निगाहें जो थी वो लगातार टिकी हुई थी कि पीएचडी में किसका होगा, किसका होगा, और काफी लोग मायूस भी है। मैं चाहूंगा कि वीडियो के माध्यम से प्लीज आप उनके लिए 2 शब्द जरूर बताएं कि जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिनका हो गया वो तो खुशी मनाएंगे, जिनका नहीं हुआ वो थोड़ा दुख मनाएंगे, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन उनको भी निराश नहीं होना चाहिए, यही आखिरी मौका है, ये नहीं आखिरी मौका है, अभी आपको और मौके मिलेंगे। आप इस रिजल्ट से मायूस हो जाएंगे कि अरे मेरा नहीं हुआ, अब आगे क्या होगा, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, मैं मान सकता हूँ 2-4 दिन आपके तनाव रहेगा कि अरे यार मैंने इतना मेहनत किया, मेरा होना चाहिए था, भाई आप डिजर्व करते हैं, जरूर होना चाहिए था, आपको एक सीट से मतलब है, आप कितने भी विद्यार्थी हो, आप एक सीट से मतलब है, आप हो जाएंगे तो खुशी है, लेकिन और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, किसी का तो होना ही है। अब 600 लोगों का होना है, 40 सीट है, तो कुछ अच्छे लोगों का ही होगा, आप भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि आप खराब, लेकिन उसमें सबसे अच्छे का हो गया, सबसे अच्छे का हो गया, आप थोड़ा सा पीछे कोशिश करिए, कहीं कमी थी उसमें सुधार करिए, अब आप थोड़ी सी मेहनत करिए, अगली बार प्रयास करिए, अच्छे मन से करिए, अच्छा मेहनत करिए, इस बार आपका होगा सिलेक्शन, ये नहीं कि ये आखिरी है, आप मेहनत करिए, आपका अगली बार होगा। बहुत अच्छी बात है, अपनी असफलताओं को जोड़ के सफलता की सीढ़ी बनानी चाहिए।
तो मैं चाहूँगा कि इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब लोगों के बहुत ही हर्षोल्लास वाले स्टेटस देखे तो कुछ मायूस और गम भरे हुए भी लोगों के स्टेटस मैंने देखे, और अपने से जुड़े हुए ये चीज़ें हम लोग भी जानते हैं, हमारे ही जैसे आप मेरे मित्र वैसे मेरे और मित्र हैं, और हम दोनों को देख रहे हैं जो नहीं हुआ जिसका हो गया, और ये भी देखे कि हम लोग तालमेल बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको देखा कि आपका निकला, ऐसा नहीं है कि आप निकलने के बाद बस अपने उन दोस्तों के साथ हैं जिनका निकल गया, आप तुरंत वहाँ पे भी गए लोग से मिले जिनका नहीं हुआ है अभी हम लोग। तो ये सब चीजें हैं कि हम सभी एक साथ ही यहाँ नजर आने वाले हैं आने वाले सालों में, बस कोई आज हुआ है कोई कल हो जाएगा, होना तो है, होना है, क्योंकि काबिल सब है ना, काबिल सब है, होना सब विद्वान है अपने आप में, अपने विषय के सब विद्वान है जी। बाकी बहुत सारी चीजें हम लोग और भी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बीच में आपको एक बात बताना चाहेंगे कि सर ने जैसा बताया कि स्टार्टिंग की पढ़ाई जो सर की थी वो थोड़ा संघर्षों से भरी थी। प्राइमरी स्कूल की जब नाम आती है तो लोग जज करते हैं, लेकिन मैं प्राइमरी स्कूल से जज नहीं करता, वो आपको और मजबूत बनाता है। बिल्कुल, तो आप आज यहाँ पे अगर खड़े हैं तो वो प्राइमरी स्कूल की पहली क्लास आज आपको यहाँ खड़ा कर दी है। तो अच्छी बात है कि हम लोग को ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना चाहिए और ऐसे ही लोगों से ज्ञान अर्जन करना चाहिए। उसके बाद सर ने बहुत सारे कंपटीशन को ब्रेक करके अपने आप को प्रूव कर दिया। यूजी निकालना कठिन, बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। यूजी निकाला आपने, पीजी निकालना बहुत ही कठिन है, आपने उसको भी निकाला। आज आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई करके ज़ारफ स्कॉलरशिप लिया, साथ में फिर आपने पीएचडी में अपने आप एडमिशन करा के, जबकि क्या आपके क्या रिश्तेदार कोई पीएचडी कोई प्रोफेसर है क्या? जी नहीं, हमारे अभी शैक्षणिक परिवेश में हमारे गांव पहली बार में, मैं ऐसा पहला विद्यार्थी हूँ, लड़का हूँ अपने गाँव से जो बीएचयू जैसी संस्था में आया। उसके पहले मेरे मामा उमा थे, तो वो लोग बस यूजी करके चले गए, उसके आगे नहीं बढ़ पाए। मैं अपने गांव से पहला ऐसा लड़का हूं कि जो यहां से बीच यूजी किया, पीजी किया और पीएचडी कर रहा हूं। ये अपने गांव के एक गर्व का विषय है, हाँ, गर्व का विषय है मेरे गांव के लिए। मैं घर पे मतलब जैसे रिजल्ट आया यहां का, बहुत लोग गर्वान्वित भी हुए कि अरे हमारे गाँव का लड़का बीएचयू में पीएचडी करेगा। तो ये अच्छी बात है, अब ऐसे मैंने यहाँ तक आया, और भी लोग देख के डेडिकेट होंगे, पढ़ेंगे, वो भी आने का प्रयास करेंगे। जैसे कुछ लड़के हैं जो जीआरएफ निकलने के बाद थोड़ा सा मोटिवेट हुए कि नहीं अरे पंकज भी ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। नहीं, इस बात है, आप तो एक तरह से आइडियल बन गए लोगों के। बिल्कुल, उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आने वाले समय में जरूर यहाँ तक पहुँचेंगे और आगे और आगे तक पढ़ेंगे, यही उनका अंत नहीं होगा। ऑफकोर्स, तो मैं ये बात इसलिए बहुत ही डायरेक्टली बोला, कुछ लोग के माइंड में पीएचडी एडमिशन को लेके ये रहता है, अरे पीएचडी में एडमिशन कराना, भाई देखो जुगाड़ चाहिए, बिना जुगाड़ करना हो पाए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जी का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, ना ही कोई गुंडा बवाली, भाई अपने आप में एजुकेशन आप इनका देख लो, अपने आप में टॉप है, जो यूजी निकाला, पीजी निकाला, यूजीसी में स्कॉलरशिप, वो भी जीआरएफ ले रहा है, 300-400 में ला रहा है। और कोई चाचा विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, ना कोई प्रोफेसर, अपने गांव से पहला लड़का अगर बाहर आके इतना करता है, तो ये आप ना मानो, मैं मानता हूं कि अपने दम पे आपने किया, और इस पे हर किसी को गर्वान्वित होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे तरफ से व्यक्तिगत रूप से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सामने महादेव जी का मंदिर है, मैं चाहूंगा कि बगिया के आप बेहतरीन माली बने, और ये जितने पौधे कुछ सूख रहे हैं, कुछ नए पौधों की जरूरत है, आप ये सब सही कराइएगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इसी प्लेस पे मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो शूट किए हैं, कई लोगों के मैंने टॉप स्टॉक किए हैं, और वो दिन भी आए आने वाले कई सालों में आए जब हम दोबारा बातें करें और हम लोग फिर पता चले कि आपके नाम के आगे डॉक्टर है, साथ में पीआर एफ लगा हुआ है, हाँ, तो वो और बड़ा बढ़िया टाइटल बन जाएगा। बिल्कुल, तो बातें बहुत लंबी भी हो सकती हैं, मैं चाहूंगा कि अंत में आप अपने कुछ लोगों को अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप जरूर बोलिए। जैसे मैं कुछ लोगों के लिए भी क्या बोलूं, क्योंकि कुछ लोग जो मेरे करीब थे, कुछ लोगों का नहीं हुआ, इसे मैं बहुत दुखी हुआ। अपने लिए तो खुश हुआ, चलो मेरा जीआरएफ हो गया, मतलब एडमिशन भी हो गया, लेकिन मैं जब अपने खुशी जब जाहिर करने के बाद जब कॉल्स आने लगे, कुछ लोगों का पता चला कि अरे यार इनका नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ, जो मेरे बहुत करीब थे, तो थोड़ा सा दुख हुआ कि अरे यार ये डिजर्विंग कैंडिडेट थे, इनका होना चाहिए था। फिर मैंने उनसे थोड़ा सा मिलना जुलना चालू किया, गया उनके पास, थोड़ी सी सहानुभूति दिया, उनको सांत्वना दिया कि भाई देखो ये अंत नहीं है, थोड़ा सा और पढ़ाई करो, तुम बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं रुके हो, थोड़ी सी एक दो नंबर से ही तुम पीछे हो, एक दो नंबर से पीछे कुछ होता नहीं है, मान रहा हूँ कि तुम्हारा भी एडमिशन नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करो भाई। उन्होंने थोड़ी सी बात समझी और थोड़ा सा दर्द भी उन लोगों का कम हुआ, मैं जहाँ तक मेरी बातों से उन लोगों को लगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं, उसको तो नियति को बदल नहीं सकते। उन्होंने
सब कुछ छोड़ के सोचा कि चलो भूल जाते हैं, लेकिन डर तो दो चार दिन रहेगा ही। फिर उन दोनों दो चार दिन के बाद मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वो लोग फिर से अपने ट्रैक पे पहुँचेंगे और जम के तैयारी करेंगे और अगली बार पीएचडी पार। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को असफल समझ रहे हैं। मैं तो असफल नहीं मानता, देखो भाई साफ सुथरा बात बताता हूं। आप असफल हो ही नहीं सकते। तो आप पीएचयू पाठशाला जैसे संस्था चलाते हैं, इतने लोगों को साथ में जोड़ते हैं, आप असफल कैसे हैं? बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना आपका है, मतलब आप एक बेहतरीन आदमी है, बेहतरीन व्यक्तित्व आपका। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस लिस्ट में जितने लोग का भी नाम था वो तो सीटों ने उन्हें बाधित कर रखा है कि हम 40 को लेंगे, लेकिन उसमें जो उसके नीचे भी नंबर लगे हुए तो वो सब किसी से कम नहीं है। किसी से भी कम भाई, वो सीटों ने उन्हें असफल बनाया। असफल है नहीं। तो बहुत सारी बातें आगे भी होंगी, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा शैक्षणिक बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में सर को आप स्मार्ट बोर्ड पे देखोगे, वो पूरी जो इनकी स्मार्टनेस कलमों में है, जो पेन में है, जो इनके मटेरियल में है, जो इनके पढ़ाने में है, वो सब हम लोग आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साफ सुथरा बात ये कहना चाहता हूँ कि आप आने वाले समय में आप चाहते हो अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना, अच्छे लोग के प्रॉपर गाइडेंस से अपना यूजीसी नेट को क्रैक करना, या फिर आप चाहते हो आपका सीयूटी क्रैक हो जाए, आप यूजी पीजी भी अपने आप को देख रहे हो, नहीं हिंदी में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो पंकज सर से मैं निवेदन भी करूँगा कि आप अपना जो बच्चों के बीच में जो ज्ञान है वो ज़रूर लाइएगा। और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो रिश्तेदार हैं और आपके जो गांव और आपके शहर के जो लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए, जो संबंधित, जो लोग कैमरे पे देख रहे हैं, ये आपने जो उनके लिए किया है आगे एक पहला कदम निकालना घर से, पीछे की जो अपने कतार बना दी है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का ये पूरा स्रोत बन गया, और वो लोग भी सर को फॉलो करें और आगे बढ़ें। मैं चाहूँगा कि बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और हम लोग आगे भी बहुत सारा चर्चा करते रहेंगे, और बहुत जल्द सर जो है अपने बाकी मटेरियल्स के साथ, पढ़ाने के साथ सर जो है आपके बीच में आएंगे और आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ठीक है, तो 5 साल का फिर से 5 साल के लिए आपको बीएचयू मिलता है। उसके बाद भी मिल जाएगा 50 साल के लिए। अरे यार महाराज, बहुत सारी शुभकामनाएं।